हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं सीताफल रबड़ी का रेसिपी। तो रबड़ी बनाने के लिए हमें बहुत ही टाइम लगता है क्योंकि हमें दूध को बहुत टाइम के लिए पकाना पड़ता है, लेकिन आज हम इंस्टेंट सीताफल रबड़ी बनाएंगे। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो इसके लिए हम पहले ले लेंगे 2 सीताफल। पके हुए सीताफल है, पहले हम इसे एक छन्नी डाल देंगे एक बाउल के ऊपर ताकि अच्छे से हम इसका फल निकाल सकें। देखिए पूरा पक चुके हैं, तो हम इसका जो इनर पल्प है उसको निकाल देंगे पहले एक स्पून की मदद से। इसे स्क्रैप करके निकाल दीजिए। इसके बाद सारा पल्प हमें निकाल देना है 2 सीताफल में से। इसके बाद हमें इसे प्रेस करके इसको इसका पल्प निकालना है। थोड़ा डिफिकल्ट होता है लेकिन एंड रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है इसका, बहुत ही टेस्टी रबड़ी बनने वाली है हमारी। तो इसको इसे प्रेस कीजिए और देखिए पल्प निकल रहा है। इसके बाद हमें जो बीज है मैंने उसको निकाल दिया है हाथों से। फिर इसके बाद जो ऊपर है इसको हम ज्यादा मिक्स नहीं करेंगे, ज्यादा पेस्ट नहीं बनाएंगे, तो हम इसको ही ऐसे ही मिला देंगे पल्प के साथ। तो पल्प रेडी है, आइए रबड़ी बनाते हैं। यहाँ पे हमें बिठा देंगे 1 लीटर करीब दूध में मैंने लिया था और इसको पहले ही बिठा दिया था। फिर इसके बाद इसमें थोड़े से बुलबुले आने के बाद, मतलब हल्का दूध गर्म होने के बाद, हम इसके इसमें 1 कप मिल्क पाउडर डाल देंगे। अगर आप मिल्क पाउडर डालते हैं तो रबड़ी जल्दी प्रिपेयर हो जाता है, और अगर आप ऐसे मिल्क रबड़ी बनाना चाहते हैं तो बहुत टाइम लगता है। इसके लिए हम यहाँ पे मिल्क पाउडर का यूज कर रहे हैं ताकि रबड़ी थोड़ा जल्दी बन जाए। और ऐसे कंटिन्यूस उसको थोड़ा स्टर करते रहिए ताकि नीचे ना लगे, और फ्लेम लो मीडियम पे रखिए। साइड्स में ऐसे मलाई चिपकते रहेंगे तो मलाई को रहने दीजिए। देखिए ऐसे धीरे धीरे करके मलाई को हमें साइड्स में लाना है ताकि अच्छे से लच्छेदार रबड़ी हमारा बन के तैयार हो जाए, क्योंकि बाद में हमें ये लच्छे को स्क्रैप करके रबड़ी में मिलाना है। कंटिन्यूसली इसको जब मलाई आ जाए ऊपर उसको स्क्रैप करके साइड्स में लगाते जाइए। करीब इस प्रोसेस में हमें 30-40 मिनट लगेंगे। ज्यादा फ्लेम ज्यादा मत कीजिए नहीं तो दूध जल जाएगा। देखिए ये दूध आधे में से कम हो गया है तो बहुत ही गाढ़ा बन चुका है अभी दूध। आप देख सकते हैं पूरा साइड्स में ऐसे मलाई लग चुका है। तो थोड़ा सा हल्का सा मैं चीनी यहाँ पे डालूंगी, 1/2 टीस्पून करीब चीनी डाल रही हूँ ताकि दूध बाद में सीताफल आड़ करने से ना फटे। अगर आप ऐसे ही ज्यादा चीनी डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, या अगर सीताफल का मिठास और मिल्क पाउडर का मिठास लेना चाहते हैं तो चीनी स्किप कर सकते हैं। इसके बाद हम 1 टीस्पून करीब इलायची पाउडर डाल देंगे इसमें। अच्छा सा खुशबू लाने के लिए हमने यहाँ पे इलायची पाउडर का इस्तेमाल किया है। अभी देखिए फ्लेम अभी मीडियम पे कीजिए और धीरे धीरे ये साइड्स को स्क्रैप कर दीजिए। जो मलाई है हम इसको रबड़ी में मिला देंगे ताकि हमारे रबड़ी बिल्कुल लच्छेदार दुकान के जैसा रबड़ी। इसको वैसे मीडियम फ्लेम पे कुक कीजिए करीब 1-1.5 मिनट के लिए। के बाद तो सीताफल का पल्प हमने निकाल के रखा था उसको इसमें डाल देंगे और 2-3 मिनट के लिए इसको पका लेंगे ताकि सीताफल अच्छी तरह से पक जाए। मैं यहाँ पे रबड़ी थोड़ा ही हल्का लाइट रख रही हूँ क्योंकि सीताफल के पल्प से ये गाढ़ी हो जाएगी और ठंडा होने के बाद बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी। इसके लिए देखिए हम मिला चुके हैं, 2-3 मिनट इसको पका लेंगे, फिर रबड़ी रेडी है सर्व करने के लिए।
आप चाहे तो ठंडा सर्व कर सकते हैं या फिर गर्म भी ऐसे एंजॉय कर सकते हैं। हो चुका है, बन चुका है रबड़ी। अब हम इसको एक कंटेनर में निकाल देंगे। एक बाउल में मैंने रबड़ी निकाल दिया है। इसके ऊपर गार्निश करते हैं थोड़े से आलमंड के फ्लेक्स और थोड़े से पिस्ता के फ्लेक्स से। और इसको ज्यादा एंजॉय करना चाहते हैं तो इसको रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए और आराम से ठंडा ठंडा रबड़ी एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।